अच्छा यार, बाइक की वीडियो आपने पहले भी देखी होगी मेरी फेसबुक पे ऊपर या यूट्यूब के ऊपर। ये वाला हेलमेट LS2 का हेलमेट, ये आपने ऑनलाइन सर्च कर लेना है इसकी प्राइस कितनी है, ठीक है। ये वाला ट्रैक सूट, ये मसलन ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड है ये वाला ट्रैक सूट, जो मैं अभी इसके अंदर आपको दिखा भी देता हूँ। ये लिखा हुआ डिज़ाइन बाय ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड है ये वाला जो ट्रैक सूट, राइडर सूट से बोलते हैं। तो जो मैंने मसलन पहनता हूँ, मैं सर्दियों में पहनता हूँ, सर्दियों में इसका मज़ा लेना है ना राइड का, तो ये आपने पहन के अगर आप मोटरसाइकिल चलाएंगे तो कमाल का मज़ा आएगा आपको, कमाल का मज़ा आएगा आपको, सर्दियों में पसीना आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला बैग मैंने, ये वाटर प्रूफ भी है और डस्ट प्रूफ भी है, ठीक है। तो बाइक मेरी तकरीबन चल गई है, एक मिनट लाइट पड़ रही है, 3385 किलोमीटर चल गई है, ठीक है। तो बिल्कुल अनटच बाइक है। और ये मसलन ये आप इसकी शाइन आप चेक कर लें इंजन की, क्योंकि मैंने कोटिंग करवाई हुई है, तो ये आप चेक कर रहे हैं इसको, बाइक को। तो ये अभी मैंने कुछ दिन पहले मैंने वीडियो एक और लगाई थी, ये मैं वीडियो पूरे पैकेज के साथ लगा रहा हूँ। अगर कोई भाई इंटरेस्टेड हो, किसी भाई को ये सारा पैकेज पसंद हो, तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है, ठीक है। हेलमेट, राइडर सूट और बैग और बाइक, ये आपको मिलेंगे तकरीबन 3,10,000 रुपये में, ठीक है। इसमें अगर मौके पर डील होती है तो फिर हम 5-7 हज़ार रुपये ऊपर नीचे कर लेंगे, ठीक है, तो उसमें नेगोशिएशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये बाइक आप देख लें, पहले भी मेरी वीडियो थी, ये छोटी सी वीडियो, आपने वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, हेलमेट वैसे का वैसे ही है, मैंने पैक किया हुआ है, तो मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये वैसे मैंने मतलब हेलमेट कितना यूज़ है, 5 से 6 दफ़ा मैंने पहना हुआ है। तो हेलमेट LS2 का हेलमेट है, तो आपने मेरी बाइक की या वीडियो पर आगे पीछे देखा ही होगा हेलमेट कैसा है, ठीक है। तो राइडर सूट भी मैंने 5 से 6 दफ़ा यूज़ किया है, तो इसकी आप कंडीशन भी देख सकते हैं। अंदर से इसमें लाइनर लगा हुआ है, ये वाला लाइनर लगा हुआ है सर्दियों में ठंड से बचने के लिए, ठीक है। तो बाइक को मैं दूसरी साइड भी आपको दिखा देता हूँ कैसी है इसकी। इंजन की शाइन आप चेक कर लें, क्योंकि कोटिंग हुई हुई है। इसका टायर का प्रोफाइल चेक कर लें, और आगे वाला टायर भी, दोनों टायर ट्यूबलेस हैं, ठीक है। तो ये आपको पूरा पैकेज मिलेगा 3,10,000 रुपये का, पूरा पैकेज 3,10,000 रुपये का। क्योंकि मैं इसलिए इसको सेल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जाना चाह रहा हूँ गाड़ी के ऊपर, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं गाड़ी के ऊपर चला जाऊँगा, अल्लाह ताला ने कुछ मसलन पैसे पूसे इधर उधर से अरेंजमेंट किया है, कुछ बाइक वगैरह ये सेल हो जाएगी, तो इंशाल्लाह मसलन मिडिल मैन के लिए छोटी गाड़ी भी काफ़ी होती है, ठीक है। तो ये बाइक अभी मैं सेल कर रहा हूँ, अगर कोई कोई भाई इंटरेस्टेड हो, किसी को पसंद हो, तो वैसे जो इस बाइक की जो प्राइस अब है ना, इसकी प्राइस है तकरीबन 3,22,000 रुपये। तो ये पूरे पैकेज के साथ आपको बाइक समेत, मतलब आप नई बाइक है, बिल्कुल इतनी चली नहीं है ना, मैंने यूज़ नहीं की इतनी ना, मैं सिर्फ उकाड़ा जाता हूँ और वापस आ जाता हूँ, 15 दिन इधर खड़ी रहती है, तो फिर मैंने 15 दिन बाद फिर निकालता हूँ, उकाड़ा जाता हूँ, वापस आ जाता हूँ, फिर 15 दिन ऐसे खड़ी रहती है। तो ऐसे आप समझें ये आपने शोरूम पीस लिया है, भी इतनी यूज़ बाइक नहीं है, ये समझ लो शोरूम पीस है, ठीक हो गया। तो ये आप सारा पैकेज 3,10,000 रुपये में बाय कर सकते हैं, तो ऑन द स्पॉट कुछ मसलन मुनासिब हो जाएगा, ज़्यादा नहीं कुछ मुनासिब हो जाएगा, थोड़े से पैसे मुनासिब हो जाएंगे, ठीक है। नंबर इसका लगा हुआ है, नंबर आल पंजाब का नंबर लगा हुआ है, आगे मैंने ये स्टिकर लगाया हुआ मारखोर का, इसका फ्रंट भी आप देख लें, दूर से मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, ऐसी लगती है ये, ठीक है। तो हेलमेट का आपने ऑनलाइन इसकी प्राइस चेक कर लेनी है, तो हेलमेट कितने का है, इसकी भी प्राइस आपने ऑनलाइन चेक कर लेनी है। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ इसका नाम क्या है, ये वाला नाम है, तो ये आपने सर्च कर लेना है, गूगल पे सर्च कर लेना, ये भी इसकी भी प्राइस आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। इसमें एयर वेंटिलेशन का वो भी बनी हुई है, ये जिपे जहाँ से एयर वगैरह जाती है ना, ये सारी बनी हुई, ये प्रॉपर राइडर सूट होता है, बाइक राइडर सूट, ठीक है। अगर कोई भाई इंटरेस्टेड है तो मुझसे रब्ता कर ले। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। शायद ये मेरी वीडियो लास्ट वीडियो होगी मेरी शहज़ादी के साथ, तो ये शहज़ादी इंशाल्लाह कल परसों जब कोई अच्छा रेट लगेगा, अच्छा मुनासिब रेट लगेगा, तो मैं इसको सेल कर दूंगा, तो इंशाल्लाह फिर मेरे पास कोई ना कोई गाड़ी आ जाएगी। ईद से पहले कोशिश है गाड़ी ले लूँ, अगर बाइक सेल होगी होगी, ना होगी तो फिर नहीं होती, तो फिर ये बाइक मैं रखूँगा, चलाऊँगा इसे आराम से।
तो अगर गाड़ी आ गई तो फिर भी ठीक है, ना गाड़ी ले सका तो फिर भी ठीक है। ये मेरे लिए बाइक बहुत ही परफेक्ट और ज़बरदस्त बाइक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।